5 मिनट में तैयार होना है, ठीक है? तो ना आज कोई पहली बार थोड़ी जा रहे हो, बाय, डोंट क्राई, रेडी है मेरे पास। इस फोटो में हटो ना यार, मुझे दिखाने दो ना व्यू। पी लेते हैं भाई, इतना प्यार से भेजा है तो पीते हैं, जो भी है। और आप लोगों का भी सामान का सुपर बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो जी हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सो आज है मंडे, सावन का पहला सोमवार है आज। लाइक सावन तो लग चुका था लेकिन उसका सोमवार आज पहला ही आया है। कई बार ऐसा होता है ना कि सावन का पहले दिन ही पहला ही सोमवार पड़ता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है इस बार। और बाहर मौसम बिल्कुल बहुत गंदा है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बस हो रही गर्मी हो रही है, मतलब बारिश के तो कोई चांसेस ही नहीं है। और आज पी को जाते हुए हो गए तीसरा वीक है, थर्ड वीक है ये, मतलब उसने फर्स्ट वीक तो मैंने बताया जैसे कि उसका बहुत मुश्किल से गया, सेकंड वीक वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो गई और अभी थर्ड वीक है। तो आई होप कि अभी आज वो वापस से वो सब चीज़ें ना करे, क्योंकि बच्चे सैटरडे संडे छुट्टी होने के बाद मंडे को जाते हैं तो फिर से उनके अंदर वही चीज़ें होने लग जाती है। तो अब वो वैन से भी जाने लगी है। एंड आज अभी तक तो दोनों हफ्ते अमित घर रहते थे, उसके आने के टाइम और जाने के टाइम तो थोड़ा सा ठीक था। और आज उनका ऑफिस है सुबह 8:30, तो अभी पीयू को ड्रॉप भी मुझे करना है, पिक भी मुझे करना है, मतलब करना तो बाहर वैन तक ही है बट स्टिल करना तो पड़ेगा, लॉक वॉक लगा के जाना है। और अभी टाइम हो रहा 7:30, आज मैंने अलार्म तो लगाई थी 5:30 की, 6:15 की, मैंने 3-4 अलार्म लगाए थे तो फिर भी मैं 7 बजे उठ पाई, क्योंकि इतना जल्दी उठने की आदत अभी डालेंगे भाई, इतनी है नहीं आदत, सही बताऊँ, अपने कॉलेज स्कूल के बाद कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आज मैंने डाला है और मैं 7 बजे उठ पाई बड़ी मुश्किल से, अभी 7:30 हो रहे हैं। और मैं अभी बालों में ऑयल लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज मंडे है मेरा व्रत है तो मैं सर वर्त होंगी, तो मैं सोचा तेल लगा देते, बाल बहुत ख़राब से हो रहे हैं। और मैं क्या बता रही थी, यस, तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट बना लिया है, मेरा व्रत है मैं कुछ खाऊँगी नहीं। और अभी मैं बनाऊँगी अमित के लिए लंच, क्योंकि वो जाएंगे अभी 8:30, तो उनके लिए सारा कुछ लंच बना के देना है, फिर मैं उठाऊँगी पीहू को, उसको तैयार करूँगी, 9:30 उसकी वैन आ जाएगी, तो भाई बहुत काम है, फिर मुझे नहाना है, रेडी होना है, घर का काम वाम भी करना है, फिर मुझे मंदिर भी जाना है, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और अभी हम लगाते हैं तेल, तेल में कौन सा लगाती हूँ मैं, तेल लगाती हूँ आंवला का तेल, क्योंकि पता नहीं क्योंकि बचपन से यही लगाया, मेरे घर में यही आता था, दूसरा आता ही नहीं था, लाते ही नहीं थे तो क्या लगाएंगे, तो हम लोग यही लगाते हैं और अभी भी यही लगाते हैं और यही सूट होता है और यही अच्छा लगता है, दूसरा कोई अच्छा भी नहीं लगता। वैसे नारियल का तेल भी लगा देती हूँ लेकिन वो चिपचिप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डिपेंड्स ऑन मूड, कभी कभी वो लगा देती हूँ, कभी ये लगा देती हूँ, कभी मैं ऑलिव ऑयल लगा देती हूँ, मतलब कुछ भी चल जाता है, बट मोस्टली ये वाला प्रेफर करते हैं। चलिए मैं ऑयलिंग कर देती हूँ बालों में और फिर मुझे फटाफट से खाना बनाना है, 7:30 हो चुके हैं और थोड़ा बहुत घर का भी काम है, तो बहुत काम है। हैप्पी सावन। और आप लोग कमेंट करिएगा आपके यहाँ पे सावन वाले दिन बारिश हुई थी या नहीं हुई, मैं देखती हूँ, वैसे पूरा दिन का व्लॉग शूट करूँगी, बारिश होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ मम्मा की गोदी में आ जाओ, चलो अच्छा प्यार कर दो, फिर खाना बनाना है मम्मा को, पापा के लिए, पीयू के लिए। गुड मॉर्निंग पिंचेज, अच्छे से बोलो, यस। पापा जा रहे हो ऑफिस, पापा ये खाना नहीं खा रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं खा लेगा, ब्रेकफास्ट नहीं कर रही है, बाय कर दो पापा को, उठाओ ना फिर उठने में भी जोर आता है मैडम को,
बस बिल्कुल 20 मिनट्स बचे हैं, 20 नहीं बचे हैं, 15 मिनट्स बचे ओनली। फटाफट से मामा को टिफिन भी डालना है, अभी तक बहुत काम है छोटू। और पीयू के हमने लगा दिया बालों में तेल, और तेल मैं पीयू के लिए यूज करती हूँ ये वाला सिगारो का है ये ब्रांड ऑलिव ऑयल, और ये वाला मैं यूज करती हूँ इसके लिए। अब बना देंगे पीयू की चोटी और फिर पीयू रेडी है ना। एक अलग तरह की बनाओ, पीछे वाले बाल निकल जाते हैं, आपके थोड़े और बड़े बाल हो जाएंगे तब बनाएंगे। मैं अभी इससे तो निकल जाएंगे, मैं गर्मी लगी हुई स्कूल में आइस बनाएंगे सारे। जी हमारी प्रिंसेस रेडी, और आज पीयू ने बोला कि मेरे अलग तरह से चोटी बनाओ, पूरे बाल पीछे करके, दो चोटी नीचे। तो आज पीयू के ऐसी जूती बना दी मम्मा ने, कैसा लग रहा है बंदर। किसके जैसे बनाई है? ये अपनी फ्रेंड रितु की चोटी देख के ये बोले मेरे वैसे बना दो। ओके हैप्पी, चल चलो चलो लेट्स गो, लेट हो रहा, फैन ऑफ करो, कमान 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 कमान, लॉक की की ले लेते हैं। आओ आओ आओ, बारो 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 बारो, लिफ्ट लिफ्ट का बटन प्रेस करो। पीहू पीहू छोटू कर दिया, हटो अंदर चलो। हेलो, वैन तो आई नहीं, ये हमारे फूल वाले भैया आ गए, हम फूल दे देंगे ऊपर है ना। बाय, ध्यान रखो, रोज आते हो ना, आज कोई पहली बार थोड़ी जा रहे हो। बाय, डोंट क्राई, जाओ जाओ। सो पीयू को छोड़ के तो मैं आ चुकी हूँ, अभी 10:15 हो रहे हैं, अभी तो ऑफिस चले गए और वो फिर से रोने लगे, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कब सेट होगी। मतलब यहाँ से घर से जाने के टाइम बहुत खुश थी, ये डाल दो मेरा, वो डाल दो, मुझे फटाफट से भेज दो, मेरी वैन निकल जाएगी, लिफ्ट में जाना, नीचे वेट करना, सब तब तक ठीक थी। अंदर बैठने के बाद उसको ये था कि मम्मा आप भी साथ चलो थोड़ी देर, 5 मिनट वहाँ बैठ जाना, स्कूल में फिर आप चले जाना। अब भाई रोज़ रोज़ वहाँ पे साथ जाना बैठना इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो भाई थर्ड वीक है और इसका अभी भी यही हाल है, तो बच्चों का मतलब यही है, कभी खुशी खुशी जाती, कभी रोने लग जाती, कभी कुछ कभी कुछ। तो खैर अभी वैसे वो 2 मिनट में चुप हो जाती, वो मुझे देखती तब तक रोती, अभी अंदर बैठ जाएगी, मैम से बातें करेगी और वो खुश हो जाएगी। और अभी मुझे फटाफट से थोड़ा सा काम वाम निपटा के खाना वाना हो चुका है, मतलब अमित को दे दिया लंच, पीयू का लंच मैंने बना दिया और उसको टिफिन दे दिया है, एंड किचन का काम निपट चुका है सारा का सारा, और बर्तन धोने, तो अभी फटाफट से बाकी का काम पेंडिंग करूँगी, नहाऊँगी, हेयर वॉश करूँगी, मैंने बहुत सारा तेल लगा रखा है तो, और उसके बाद मंदिर जाना है, तो ये काम है हमारे, फूल वूल भी आ चुके हैं बाहर। चलिए मिलते हैं बाद में। आई एम रेडी एंड बहुत लेट हो रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि बाल बाल सुखाऊँ, दूध निकाल लेती हूँ लोटे में, लेके जाना है दूध और गो, बहुत लेट हो रहा है, बाय। घर जा रहे हैं वापस, पूजा हो चुकी है हमारी, मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप चली गई है काफ़ी हद तक, तो और अब घर जाऊंगी, थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, भूख लग रही है, लग रही थी अभी नहीं लग रही है, तब जब ब्रेकफास्ट का टाइम था ना तब बहुत भूख लग रही थी, पर अब नहीं लग रही है, बट फिर भी स्टिल मैंगो खाऊंगी, एंड जब तक फिर पीहू आ जाएगी एंड देन जो ही रूटीन, उसको खिलाना पिलाना सुलाना, दैट्स ऑल। तो चलिए अब कर लिए पूजा और अब करेंगे पेट वाली पूजा। लाइक मैंने कुछ ज़्यादा सगार वगैरह नहीं बनाया, मैं वो कुछ नहीं करूँगी, जस्ट फ्रूट लेके आई हूँ, मैंगो लाई हूँ और मैंगो कट करूँगी और खाऊँगी, बस यही करूँगी। और अब पीयू के आने का भी टाइम होने वाला है, 12 बज चुके हैं, तो वो आ जाएगी अभी, और अभी मैं खाती हूँ यार, बस बाय बाय बाय, और एन्जॉय करेंगे कुछ भी। आज मैंने वीडियो भी नहीं डाला, वीडियो एडिट भी नहीं किया, वेरी बैड। तो अब आइए चलिए चलते हैं पीहू को लेने के लिए, मैंने घी का रख दिया नहीं, बस अब पीहू को पिक करने के लिए जा रही हूँ मैं, उसका टाइम हो चुका है आने का, वेट कर रही हूँ मैं, अभी तक वैन आई नहीं, आ गई है एक वैन तो आई है, किसकी है कौन सी है पता नहीं, आ जाओ पहले, खाना खाया, आगे देखो पीछे देखो गिर जाएगा, खाना खाया,
कंप्लीट करा, क्या बात है यार, मम्मा प्राउड ऑफ यू। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्यूरी मेरा बच्चा आ गया स्कूल से, मेरी छोनी प्रिंसेस। अरे बाबा आज मेरा व्रत है और मैं मंदिर गया था पूजा करने के लिए, जयजय करने के लिए, इसलिए पहनी मैंने ये ड्रेस, बस सिंपल। अच्छा टी शर्ट पहनना था, मम्मा को पजामे टी शर्ट में देखा है तूने पैदा हुआ तब से। बेटा मम्मा को कभी कभी अच्छा लगता है ना ऐसे रेडी होना, छुंदर छुंदर प्रीटी प्रीटी बनना। आप तो रोज बनते हो, कभी कभी तो मम्मा ही बन जाए होली दिवाली। अरे भाई मैं बोलती हूँ तेरा बंदर, ऐसे अच्छा बच्चा बन। ओ नो मैम ने ऐसे बोला, शेयर नहीं करना, फिर आपने सिर्फ अपना अपना खाया। ओहो और आज क्या होमवर्क दिया है बिट्टू को? आपने मैम को केक बताया जो बनाया पापा ने? पन्नी का आज क्या मिला है? एम बनाना है आज, एम एम फॉर चूहा बनाना, एम फॉर चूहा, एम फॉर माउस, एम फॉर माउस, एम फॉर मंकी। मैम अजीब अजीब से क्यों एम फॉर मंकी, जो बच्चे जिंदगी में पढ़ते हैं वही लिखाओ ना, माउस कहेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको तो मैंने यही सिखाया एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, अभी आ गया एम फॉर माउस, जो सदाबहार चलती आई है वही चीज़ें चलाओ यार। ए फॉर एप्पल होता तो एप्पल ही रखो ना, ए फॉर एवोकाडो बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा बताओ बताओ। ये देखो हमारी पिंचित कितनी क्यूटी क्यूटी लग रही है इस फोटो में, हटो ना यार मुझे दिखाने दो ना पियो की डायरी में। मैंने डाल दिया ना बेटू, ले लो आप, रखा हुआ है ले लो। स्कूल में क्या किया आप, कैसे थक गए? मैं बैठे बैठे सब गया और पढ़ाई हाथ दुख रहे, और बहुत पढ़ाई करी। कितनी कितनी पढ़ाई करी जो आपके हाथ दुख रहे? बहुत। मेरे हस्बैंड ने भेजा है कैविटीज से शेक, मैंने मना किया था, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं फ्रूट्स के अलावा, बट स्टिल उनको था कि नहीं 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 कुछ तो पीना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो उन्होंने शेक भेजा और ये व्रत में पी सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई व्रत टूट जाएगा, तो पी लेते हैं भाई, उन्होंने इतना प्यार से भेजा है तो पीते हैं। अच्छा टेस्टी है, मस्त एकदम। मेरा बच्चा सो गया है, पियो को नींद आ गई है और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिट कर दूँ, आज तो डाली भाई जैसे कल तो डाल दो, कल के लिए तैयार कर दो, सोऊंगी नहीं मैं, नींद तो आई हालांकि बट नहीं सोऊंगी, सोने से फिर मैं उठती हूँ तो मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है, मतलब मेरा मन नहीं लगता और फिर रात को नींद नहीं आती, मुझे टाइम पर सोना है और थोड़ा सा मुझे अपना रूटीन चेंज करना है, मुझे थोड़ा सा भी सुबह उठने की आदत डालनी है, लाइक मैं 5:30 नहीं तो 6 तो कम से कम उठ होता कि मैं कभी ऑफिस रहे सुबह तो मैं सब, और फिर जाए उसके बाद तो मतलब 11 बजे तक मैं कुल मिला के फ्री हो जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे मेरे लिए टाइम मिलेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं पहली बार ऐसे घर पर अकेली रही थी, लाइक कोई नहीं था, तो मतलब थोड़ा सा ये मी टाइम चाहिए होता है हर इंसान को, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, कुछ भी अपने मन का कुछ भी करो, आराम से बैठ जाओ, एटलीस्ट कोई नहीं है पास में शांत सा, तो मैं जा रही हूँ कि ऐसे अपने लिए मैं टाइम निकालूँ एटलीस्ट 1 घंटा, जब मैं कुछ अपने मन का कर सकूँ, कुछ आराम ही कर लूँ, चाहे कुछ नहीं फ्री बैठूँ, और कोई अगर मेरे पेंडिंग काम है या मैं जो जिस चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो वो सब कर सकूँ। और आप भी अगर आपको भी टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। और जब आप मदर बन जाते हैं, मॉम बन जाते हैं, आपके छोटे बच्चे होते हैं तो आप स्पेशली आप इतनी सब चीज़ों से, इतने काम से, इतना सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बच्चे की टैंट्रम्स, बच्चे के जैद रोना धोना उसे काम से, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसके बाद जब कभी आपको ऐसा टाइम मिलता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है रियली, एंड आई एम एंजॉइंग दिस फेज एक्चुअली। अब मुझे बुरा मत कहना कि कैसी है कि सबको घर से भेज के उसको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है, हार्डली 1 घंटा या 2 घंटा मिल पाता है क्योंकि उसके बाद घर का सारा काम भी तो करना पड़ता है, तो सब कुछ करके मुश्किल से 1 घंटा मिलेगा, तो जो भी है थोड़ा सा लालची बन जाती हूँ। गाइस गुड इवनिंग, तो अभी ना शाम के 6:30 बजे और हम लोग, मैं सो गई थी, मैंने बहुत प्लान किया, मैं नहीं सो गई, मुझे 2-3 बार छपकी भी आ गई लेकिन मैं उठ गई, और उसके बाद मुझे नींद आ गई, हल्की सी नींद आ गई थी, मैं सो गई और 5:30 बजे हम लोग उठे, उसके बाद मतलब बीच में दो बार मेरे खुले रह गए थे, बार बार फोन आ रहा है, बार बार बेल बज रही थी, मेरी नींद उड़ गई, अच्छे से तो नहीं सो पाई लेकिन स्टिल मैं 10 मिनट सो पाई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं करवा रही हूँ पीयू को होमवर्क, करवा रही हूँ आज का, मैं बता दूँ, हाँ बेटा मैं यहाँ पर डॉट कर देती, फिर आप ना उसके ऊपर काम कर लेना, ओके। चलिए पीयू के लिए चेयर टेबल भी ऑर्डर करनी है हमको, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो अभी तो हमारे पास छोटी वाली स्टडी टेबल है तो उसका यूज़ कर रहे हैं लेकिन अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो टेबल चेयर तो चाहिए चाहिए, मैंने सोचा था इसके 4th बर्थडे पे मैं टेबल चेयर ले लूँगी लेकिन अभी इसको
ये नहीं तो पड़ेगी, या मैंने बाल धोने के बाद सुलझाए भी नहीं, कॉम नहीं किया, तो ऐसे ही है मेरा, तो ऐसे निकल जाता है, बहुत आलसी हूँ मैं। सो गाइज, खाना इज़ रेडी। हमारा व्रत है, दाल मखनी है और राइस है एंड पापड़ है, रोटी है, नींबू है, छाछ है, दही है, सब कुछ है। तो अब व्रत खोलते हैं पूरे दिन का। और सब्सक्राइब करना, कल परसों मिलेंगे, बाय। और आपको चैलेंज का जरूर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको वो पसंद आए तो लाइक जरूर ही करोगे तो बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ऐसे करने लाइक कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको ऐसे लगेगा तो वैसे ही लाइक बटन लाइक करना जरूरी होता है, लाइक कर देना, और लाइक को बिल्कुल लगा के रखना ताकि पूरा सेफ रहे और आपको पूरा कुछ होएगा भी नहीं, भगवान आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान होते उनका आप जैसे करना और बोलना कुछ कुछ चीजें दे तो खाने के लिए, दूध पीने के लिए, इसलिए और करेंगे। बाय बाय बाय, गुड नाइट। योर डेस्ट।